दोस्तों आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि आप पर पैसे नहीं हैं, आप पर कोई नौकरी नहीं है, आप पर कोई बिजनेस नहीं है, तो आखिर करें तो करें क्या, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि आपको आखिर करना क्या है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको एक बिजनेस आइडिया बताऊंगा और अगर आप पर पैसे नहीं हैं तो आप उस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, आप इसको पूरा देखें, आपको आराम से समझ में आएगा कि आखिर इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो बिजनेस आइडिया है वो है मिनी किराना स्टोर खोलने का, यानी कि आप किसी भी जगह पर एक छोटा सा किराना स्टोर खोल लें। दोस्तों मैं आपको मिनी किराना स्टोर खोलने की बात क्यों कर रहा हूँ ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ ये जान लेते हैं कि आखिर मिनी किराना स्टोर होता क्या है। तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो मिनी किराना स्टोर वो होता है कि आप अगर अपने कस्बे की कभी मंडी में गए होंगे या गाँव की किसी बाजार में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक मिट्टी का ऊँचा सा चबूतरा बना लेते हैं और उस चबूतरे पर वो सामान रख करके बेचते हैं। जैसे अगर आप साबुन शैम्पू और आटा दाल चावल बीड़ी सिगरेट गुटखा इस प्रकार की चीज़ें अगर उस चबूतरे पे रख कर के बेच रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आप एक छोटा सा किराना स्टोर चला रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसको खोलने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों एक छोटा सा मिनी किराना स्टोर खोलने के लिए आपको लगभग 10,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में 10,000 से लेकर के 20,000 में आपका एक छोटा सा किराना स्टोर खुल जाएगा। अब बात करें इसमें प्रॉफिट मार्जिन की, तो अगर आपने ये किराना स्टोर किसी कस्बे की ऐसी मंडी में खोला है जहां पर कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, या आपने देखा होगा कि गांव से जब आप बाहर निकलेंगे तो छोटे छोटे चौराहे बने होते हैं, तो उन चौराहों पर जो है सवारी ऑटो वाले खड़े होते हैं, सवारी उतरती है चढ़ती है गांव में आती है गांव से जाती है, तो ऐसे में वहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी लगी रहती है। तो अगर आपने ऐसी जगह पर ये किराना स्टोर खोला है तो आप पर डे का 200 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक का प्रॉफिट आसानी से इस बिजनेस के माध्यम से कमा लेंगे। दोस्तों इस प्रकार से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल की कि अगर आप पर पैसे नहीं हैं तो आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, और मैंने आपको मिनी किराना स्टोर खोलने को ही सबसे पहले क्यों बोला। तो दोस्तों मैंने आपसे मिनी किराना स्टोर खोलने को इसलिए बोला है कि इस समय सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसके तहत प्रत्येक फल वाले को और ठेले वाले को 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है बिजनेस को शुरू करने के लिए, पर ये लोन बड़े किराना स्टोर वालों को नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको छोटा किराना स्टोर खोलने को बोला है, जो कि एक बड़ा सा चबूतरा बना करके आप उस पर रख करके सामान बेच सकते हैं और इस स्कीम के द्वारा आप सरकार से लोन ले सकते हैं, जिससे अगर आप पर पैसा नहीं है तब भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं सरकार से लोन लेकर के। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपको ये लोन मिलेगा कैसे। तो दोस्तों आपको अपने कस्बे की नगरपालिका में जाकर के वहां से लोन का फार्म लेना है और लोन के फार्म को सही तरीके से भर करके वहां पर जमा कर देना है। अगर आप लोन लेने के योग्य हैं और आपने सारी डिटेल उस फार्म में सही भरी है तो 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में वो लोन का पैसा आ जाता है, जिससे आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अगर आप पर पैसे नहीं हैं और नौकरी नहीं है तब भी आप इस बिजनेस को शुरू करके 200 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक का प्रॉफिट आप आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।